होमगार्ड के डीजी उत्कल रंजन साहू एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आरपीएससी में आयोजित डीसीपी की बैठक में भाग लेते हुए अजमेर संरक्षण भवन में जिला पुलिस अधिकारियों से संवाद किया। होमगार्ड डीजी साहू ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि होमगार्ड के डिप्टी कमांडेंट जनरल और डिप्टी कमांडेंट को लेकर डीसीपी की जानी है। इस डीसीपी की बैठक आज अजमेर की आरपीएससी में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक में निर्णय लिए गए। वहीं उन्होंने कहा कि राजस्थान में कार्यरत होमगार्ड को राज्य सरकार व प्रशासन की ओर से बेहतर सुविधाएं दी जा रही है और उनकी ड्यूटी तय समय पर उन्हें मिले इसके लिए काम किया जा रहा है, लेकिन होमगार्ड के नियमों में यह प्रावधान है कि वह वॉलंटियर के रूप में काम करेंगे और उन्हें आपात या फिर अन्य व्यवस्थाओं में शामिल किया जा सकता है। उन्हें नियमित काम और वेतन नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी प्रशासन उन्हें समय समय पर पूरा काम देने का प्रयास करता है। राजस्थान के तमाम जिलों में होमगार्ड को बारी बारी से काम दिया जाता है, जिससे कि सभी को काम मिल सके। उन्होंने कहा कि होमगार्ड द्वारा यह मांग करना कि उन्हें नियमित करते हुए नियमित सैलरी दी जाए, यह गलत है। ऐसा कोई प्रावधान उनके नियमों में नहीं है। साहू ने बताया कि सरकार के निर्देश पर 2500 पदों पर होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। जयपुर और कोटा में इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाएगी। वहीं कांस्टेबल भर्ती को लेकर भी आवेदन मिले हैं। इस प्रक्रिया को भी तेज किया जा रहा है, जिससे कि जल्द से जल्द राजस्थान को कांस्टेबल मिल सके और सुरक्षा के साथ ही विभिन्न व्यवस्थाओं में सुधार किया जा सके। अजमेर तो आज हमारी डीपीसी की बैठक थी, डिप्टी कमांडेंट जनरल और डिप्टी कमांडेंट की, इसलिए आरपीएससी में बैठक थी, तो इसलिए अजमेर आना हुआ था आज। सर, होमगार्ड को लेकर के अगर बात करें तो जवानों की ड्यूटी को लेकर के एक शिकायत रहती है, इसके साथ ही उनके वेतन को लेकर के भी कई बार जवान नहीं बेसिकली होमगार्ड जो संगठन है या डिपार्टमेंट है, इसमें जो वॉलंटियर्स हैं उनका नाम ही वॉलंटियर्स है कि स्वयं सेवक के हिसाब से, दे आर परमानेंट एम्प्लॉइज, तो सर गवर्नमेंट की या सिस्टम की है नहीं या उसका ऐसा कोई नियम नहीं है। तो जो वॉलंटियर्स हैं अलग अलग ज़िले में, उनकी किसी ज़िले में कहीं ज़्यादा ड्यूटी आती है, किसी ज़िले में कम ड्यूटी आती है। तो जैसे कहीं अजमेर ले लें तो अजमेर में हो सकता है 40-50% की डिप्लॉयमेंट होगा, तो बाकी जो 50% है नेचुरली वो 100% हर महीने में एंगेज रहते नहीं है, हर दो महीने में ढाई महीने में उनकी ड्यूटियाँ आती होगी। जैसे ड्यूटियाँ आती है वैसे उनकी जो पेमेंट इनका मिलना चाहिए पर डे के हिसाब से वो तो रेगुलरली मिल रही है, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। वो वेतन पर फिक्स करने की बात नहीं, तो वेतन फिक्स तो एक्चुअली गवर्नमेंट के जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो सर्विस रूल्स है उसके अनुसार उनके वेतन, उनके इंक्रीमेंट, उनके बाकी चीज़ें जो उनको लागू है वो उनके परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लागू है। ये चीज़ वॉलंटियर जो है होमगार्ड के, उनके ऊपर ये नियम ही लागू नहीं है, तो वो एक्सपेक्टेशन करना या वो मांगना, अगर परमानेंट वाली जो व्यवस्था है वो तो परमानेंट गवर्नमेंट सर्विस में ही मिल पाएगा, ना कि इस वॉलंटियर वाली सर्विस में। भर्ती को लेकर आगे कुछ होगा? नहीं, वॉलंटियर्स की भर्ती तो अभी फिलहाल चल रही है, 2500 की सर गवर्नमेंट ने सेंक्शन दी है, जो अभी एंड होने की स्थिति में अभी बस जयपुर और कोटा दो सेंटर में चल रही है, बाकी जगह करीब करीब पूरी हो गई है। बाकी जो अपने कांस्टेबल्स की रेगुलर रिक्रूटमेंट के हिसाब से परमानेंट कांस्टेबल की, वो गवर्नमेंट ने सेंक्शन दी है, तो उस पर हम एप्लीकेशन मांग चुके हैं। 22 तारीख उसका लास्ट डेट था, अब आगे का जो उसका अभी जो पीरियड है उस पीरियड में उनको समय दिया गया है कि किसी को कोई करेक्शन करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, वो चल रही है। जैसे फिर आगे नियमित प्रक्रिया होती है उसी हिसाब से भर्ती होगी।